आज बात करेंगे भोजपुरी की कुछ खबरों के बारे में। खबर आती है कि आकांक्षा दुबे के प्रकरण के बाद से समर सिंह जो फरार है वो विदेश भाग जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस चौकन्नी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के बारे में कहा जाता है कि कागजी कार्रवाई जो है कागजी कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है जिसे लुकआउट नोटिस जारी किया जा सके। अब इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश के पुलिस 3 टीम लेकर निकली है। कहा जा रहा है कि एक टीम राजधानी पटना में बैठी हुई है, वो समर सिंह का इंतज़ार कर रही है, खोज रही है या छापा मार रही है कि समर सिंह कहाँ पर हैं। जहाँ पर पुलिस को लगता है कि समर सिंह हो सकते हैं वहाँ पर छापामारी की जा रही है। दूसरी टीम के बारे में कहा जाता है कि वो मुंबई में हैं, मुंबई में जाकर जो समर सिंह के तमाम लोग हैं, म्यूजिक कंपनियां हैं, वहां पे छापा मारा जा रहा है। सवाल ये है कि समर सिंह कैसे उत्तर प्रदेश के पुलिस को इतने दिनों तक चकमा दे सकता है, कैसे वो विदेश भाग रहा है बंदा। अगर समर सिंह दोषी नहीं है तो समर सिंह भाग क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, अगर समर सिंह आकांक्षा दुबे के प्रकरण में दोषी नहीं है तो उनका कुछ हाथ नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं, सबसे पहली बात। लेकिन वो पुलिस के डर से भाग रहे हैं। अब लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक थाने में जाकर आकांक्षा दुबे की माँ ने अपनी चूड़ी को फोड़ती हैं और वहाँ पे दिखाती हैं कि हमारी जो कार्रवाई ये चल रही है उससे वो खुश नहीं हैं, आप लोग जो कर रहे हैं हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी माँ कहती हैं कि समर सिंह भाग जाएगा, उसका पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और सच्चाई भी यही है कि अब तक समर सिंह फरार हैं। समर सिंह कहाँ हैं, कैसे हैं, किन लोगों के साथ हैं, आखिरी बात उनसे किससे बातचीत हुई है, इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं जानकारी है। पुलिस के पास मात्र दो जानकारी है। दो जानकारी में से पहली जानकारी है कि समर सिंह का लोकेशन मुंबई में देखा गया, और दूसरी जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि समर सिंह का आखिरी लोकेशन पटना में मिला था। मतलब समर सिंह के मोबाइल का लोकेशन दो जगहों पर मिला, मुंबई और पटना। दोनों जगहों में कन्फ्यूज़न है। पुलिस मुंबई में भी छापेमारी कर रही है और उत्तर प्रदेश और पटना में भी। और तीसरा, जो समर सिंह का जो अपना ज़िला आजमगढ़ है, जो उनका अपना क्षेत्र है जहां पर वो घूमते थे, गानों की शूटिंग करते थे, उन तमाम ज़िलों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। अब लुकआउट नोटिस जारी की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि विभागीय जो कागजात होता है उसको पुलिस तैयार कर रही है। अब आप समझिए कि समर सिंह के बारे में ये खबर क्यों चलती है कि समर सिंह विदेश क्यों भाग जाएंगे। आम तौर पर जो धारणा होती है, कोई भी मामला जब गर्म होता है, जब पुलिस ज़्यादा कार्रवाई करती है, जल्दी कार्रवाई करती है, जल्दी पकड़ती है, और वही मामला जब 3 महीना या साल भर बीत जाता है तो मामला ठंडा हो जाता है। और ये बात हर कोई जानता है कि अगर 2-3 महीने पुलिस से बच जाएंगे तो आगे के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जांच में वो जल्दबाजी नहीं रहती है। और शायद उनके भी दिमाग में यही चल रहा होगा, विदेश भागकर समर सिंह 2-3 महीना इधर उधर काट लेंगे तब तक ये मामला ठंडा हो जाएगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि समर सिंह उत्तर प्रदेश के पुलिस को, या कह लीजिए कि तमाम पुलिस या फौज को, इतने दिन से चकमा देकर कैसे इधर उधर भाग रहे हैं, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। समर सिंह आखिरी बार कहाँ गए, कहाँ रुके हुए हैं, आखिरी बार वो किन लोगों के साथ थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल समर सिंह को कहा जा रहा है कि वो भारत छोड़ करके नेपाल में जा चुके हैं, और समर सिंह को लगता है कि नेपाल में चले जाएंगे तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती है। आगे पुलिस कहती है कि हम समर सिंह को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई अगर नया अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक्स दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। भोजपुरी से रिलेटेड कोई भी सवाल के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर
अगला अपडेट कुछ भी आता है तो हमारे चैनल पे देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।